लगाएगा। इसमें जो है हम शीरे से एथेनॉल नहीं बनाएंगे, इसमें जो है हम खोई जो होता है और जितना भी क्रॉप रेसिड्यू होता है, जैसे गेहूं का, धान का भूसी है, इन सब को ब्रेक करेंगे, केमिकली ब्रेक करके ये केमिकल प्रोसेस से एथेनॉल बनेगा, ना कि शीरे से एथेनॉल बनेगा। तो उसको ब्रेक करके बनाएंगे, तो इसमें एक तो जो किसानों को उसका जो कटाई के बाद या हार्वेस्टिंग के बाद जो बच जाता है भूसी या उसका डंठल बच जाते हैं, तो उनको जलाना पड़ता है, या तो ट्रैक्टर चला के उसको दबाना पड़ता है या जलाना पड़ता है। अधिकांश किसान इसको तुरंत जलाना पसंद करते हैं, क्योंकि अगली उनको बुआई करनी होती है, तो अब ये करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जिसमें ये धुआँ पर्यावरण का ये होता है में का नुकसान होता है धुएँ के कारण, और फिर एक कोहरा सा बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो एक तो वो भी पर्यावरण का बचत होगा, दूसरा किसानों को आय होगा, क्योंकि हम ये जो किसान जलाते हैं उन सबको हम खरीद लेंगे किसान से, एक उचित मूल्य में खरीद के उसको फिर हम प्रोसेस करेंगे, और एक बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस अपना के हम इसको सेकेंड जनरेशन